असलमकम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कुछ जरूरी इम्पोर्टेंट अपडेट हम आपको बता दें कि गोरा गांव में सात मंजिल इमारत में भीषण आग लगने की वजह से छियालीस लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों ये अपडेट एक इमारत की है और आग काफी ज्यादा तेजी से लगी हुई है बीती रात भीषण आग लगने की वजह से ये मामला देखने को मिला है इसके अलावा ये बताया गया है कि इस घटना में चार कार बाइक जलकर भी राख हो चुकी हैं। दोस्तों अगली अपडेट अपडेट भी एक बेहद है क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद में अभी प्रदर्शनों की अनुमति दी गई थी सऊदी अरब ने स्वीडन के राजदूत को कुरान जलाने के मामले को समन किया है सऊदी प्रेस एजेंसी की तरफ से कहा गया है विदेश मंत्रालय के हवाले की तरफ से बताया गया है कि रियाद स्थित स्वीडन दूतावास के दूतावास को समन किया गया है कुरान जलाने की घटना पर कड़ी निंदा और आपत्ति भी दर्ज कराई गई है सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब के स्वीडन ने यह भी कहा कि उन हरकतों को अभी रोका जाए जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है हमें एक दूसरों के बीच मूल्यों का आदर करना चाहिए और जो भी जरूरत वाला काम है उसको सही से कार्य चाहिए स्वीडन में कुरान जलाने के खिलाफ सऊदी अरब ईरान का ये कड़ा रुख देखने के बाद में काफी ज्यादा लोग परेशान हो चुके हैं और इस मामले को कड़ा फैसला लेते हुए कहा गया है कि विरोधियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी ईरान सरकार ने अपना नया राजदूत स्वीडन में इनकार कर दिया है हाल ही में मस्जिद के बाहर इराक में पैदा हुए कुछ शरणार्थियों ने पवित्र कुरान को जला दिया था स्वीडन के पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले शख्स के जातीय राष्ट्रीय समूह के खिलाफ अशांति फैलाने का मामला भी दर्ज कर लिया है